हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फैक्टॉन पर। दोस्तों, आज हम आपको भारत के ऐसे एक राज्य के सफर में ले जाने वाले हैं जिसको हमारे देश के सबसे अमीर राज्यों में से एक गिना जाता है। इस राज्य की अहमियत आप इसी बात से लगा सकते हैं कि महात्मा गांधी जी से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल तक और नरेंद्र मोदी जी से लेकर मुकेश अंबानी तक, सबके सब बड़े बड़े लोग यहीं से आते हैं। आज हम आपको जिस राज्य के सफर पर ले जाने वाले हैं, वहाँ पर सोमनाथ मंदिर भी है और यहीं पर है द्वारका देश। यहाँ की राजधानी को एशिया का सबसे ग्रीन कैपिटल सिटी भी कहा जाता है। यहाँ पर आपको भारत का दूसरा सबसे अमीर शहर भी देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत के गुजरात राज्य की। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि गुजरात की कुल आबादी है 6,48,00,000 के आसपास। यहाँ के कुल आबादी में से 45% लोग शहर में रहते हैं, जबकि 55% से भी ज्यादा लोग गांव में रहते हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर को पूरे एशिया का सबसे हरा भरा शहर माना जाता है। यहाँ पर आप जहाँ भी देखेंगे हर तरफ आपको पेड़ पौधे ही दिखेंगे और ये वाकई में बहुत ही अच्छी बात है। गुजरात एक ऐतिहासिक राज्य माना जाता है। आपको ये भी मालूम होगा कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि से लेकर एशिया के नंबर 1 बिजनेसमैन मुकेश अंबानी तक तमाम लोगों की जन्मभूमि यही राज्य है। गुजरात ने कई सारे महापुरुषों को जन्म भी दिया है, जैसे कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई, बिजनेसमैन धीरूभाई अंबानी, बिजनेसमैन जमशेदजी टाटा आदि। देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी गुजरात के ही हैं। देश के प्रधानमंत्री पद संभालने से पहले वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, पर आज मोदी जी दुनिया के दूसरे सबसे अधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री बन गए हैं। गुजरात को भारत का सबसे कम बेरोजगारी वाला राज्य भी माना जाता है। 2015 के आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ 1.2% लोग ही बेरोजगार थे। दोस्तों, गुजरात की आन बान और शान माने जाने वाला त्योहार यानी कि नवरात्रि, जो कि पूरे देश में प्रचलित है, जबकि यूएस जैसी कंट्री के भी कुछ कुछ शहरों में नवरात्रि होती है, पर वहाँ भी गुजरातियों का गरबा फेमस हो चुका है। दोस्तों, गुजरातियों की रोजी रोटी का जरिया है बिजनेस। दुनिया भर में शुमार बिजनेसमैन मुकेश अंबानी से लेकर रतन टाटा जी तक तमाम बिजनेसमैन गुजराती है। कहा जाता है कि गुजरातियों के खून में ही बिजनेस है। यहाँ का बच्चा बच्चा तक आपको बिजनेस करता हुआ दिख जाएगा। पढ़ाई लिखाई के मामलों में गुजरात काफी आगे है। हाल ही में की गई सर्वे के मुताबिक गुजरात का साक्षरता दर 78.03% है, जो कि इंडिया के कई सारे राज्यों से काफी अच्छा है। यहाँ का रोड हो या फिर यहाँ की बिजली सुविधा, सब कुछ आपको टॉप क्लास ही मिलेगा। कहा जाता है कि यहाँ पर आज से नहीं बल्कि कई साल पहले से ही ये सारी सुविधाएं मौजूद थी। आपको यहाँ का हर एक शहर साफ सुथरा ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ के लोगों को गंदगी करने की आदत ही नहीं होती। यहाँ तक कि गुजरात का हर एक रेलवे स्टेशन भी आपको काफी साफ सुथरा और हाई क्लास मिलेगा। इतना ही नहीं, आप जिस वीडियो को देख रहे हैं वो भी गुजरात से ही बना है, जबकि इस चैनल का होस्ट और आप सबका दोस्त फैक्टॉन भी एक गुजराती है। तो दोस्तों, ये थी गुजरात की कुछ अमेजिंग और रोचक बातें। वैसे आप कौन से राज्य से है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। गुजरात के बारे में या तो किसी और भी राज्य के बारे में A to Z जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करना। मिलते हैं एक और नई शानदार वीडियोस में, तब तक के लिए गुड बाय।